बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। अस्सलाम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपके पसंद प्रोग्राम द टिकटॉक शो में। आप बन सकते हैं बड़े करोड़पति। अमेज़न प्राइम का नंबर जहां आज तक आप अपनी वीडियोस भेजते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी भेजेंगे, वो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली कैटेगरी देखते हैं, लगाइए। ए यू चश्मेश, हाँ हाँ तुम इधर आओ। तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट हो, और ऊपर से ये तुम्हारा चश्मा, और ये तुम्हारे चश्मे पे जो तुम्हारे बाल आते हैं ना, हर बार मेरा दिल ले जाते हैं यार। बात तो ढंग से करते नहीं हो, और कहते हो बहुत प्यार किया तुमसे। खुश रखना चाहते थे, कितने सैड हो गए तुम। क्रीपी, टॉक्सिक, पोजेसिव, कितने बैड हो गए तुम। ये ना पहनो, वो ना करो, यहाँ वहाँ जाना नहीं, आशिकी करने आए थे, मेरे डैड हो गए तुम। याद करो अंजलि, तुम रोज हारती थी। राहुल, तुम रोज हारते थे। नो अंजलि। यस राहुल। बच्चों के सामने झूठ मत बोलो, बुरा असर पड़ेगा। कम है क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठी। या वॉट। सच तो ये है कि तुम सिर्फ चीटिंग करके जीत सकते हो। डोंट कॉल मी चीटर, ओके? दैट्स व्हाट यू आर, चीटर चीटर चीटर। अंजलि चीटर नहीं। चीटर चीटर चीटर, राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर। अब होगा फड्डा। मैं बचपन में देखी थी भाई, क्या हो गया तुम लोगों ने, अब देखिए क्या जाके। एक तो समझ में ये नहीं आ रहा है, इस जनरेशन को वही मूवी क्यों नजर आती है जो नेटफ्लिक्स अपलोड कर देता है, उससे पहले क्यों नहीं देख रहे हैं? इनका सर्च इंजन कहां चला जाता है? नेक्स्ट। वो मुझसे कहती है हुस्न क्या है, मैंने उसे अपनी तस्वीर भेज दी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, लगता है हुस्न बर्दाश्त नहीं हुआ। सिर्फ मेरे सामने मुस्कुराना। हाँ तो फिर अब ये भी बता दें कि मुझे सांस कब लेनी है, सुबह में सांस लूं या शाम में। मैं हंसता हूँ तो खुश वो भी होता है। तस्करा आईने का कर रहा हूँ, इंसान का नहीं। अच्छा, मैं पहले वाली आवाज को देख रहा था, सुन रहा था, महसूस कर रहा था, तो मिसमैच था। दूसरी वाली जो आवाज आई है ना, वो डिटो मैच है आपकी पर्सनालिटी से। तस्करा आईने का उतर ए इंसान का नहीं, परफेक्ट मैच। नेक्स्ट। मेरी सांस सांस मेरे यार के लिए है, अब बजाना कोई इंतजार के। अभी आप इस काबिल नहीं हुए कि हमारी जात पर तबसरे करें। हमारे किरदार के दागों पे तंस करते हो, हमारे पास भी आईना है, दिखाएं क्या। हमारे जैसे शौक ना पाले जनाब, हमारी अदाएं हम पे ही जचती है। इन्हें अदाए नहीं कहते, इन्हें जहरीली अदाए कहते। ये जहर है, और ये जहर आपको भी मुबारक। हम तो खोए वाली कुल्फी खा के भी गुजारा कर लेंगे। नेक्स्ट। मौत आ जाए लेकिन जो नसीब में ना हो उस पे दिल ना आए। मुझसे पूछती है, बहू तुम्हें क्या आता है? मैंने कहा आपके बेटे में प्यार, वो भी बेशुमार। पहले लड़कियां डरती थी कि सासू माँ कैसी मिलेगी, अब सासू माँ डरती है कि बहू कैसी मिलेगी।
तू इधर देख मुझसे बातें कर, यार चश्मे तो फूटते रहेंगे। एक एक मुद्दत हुई है तुझसे मिले, तू तो कहता था रबते रहेंगे। एक मुद्दत हुई है तुझसे मिले, तू तो कहता था हम तेरे रहेंगे। भाईजान वो झूठ बोलता था, आपको अभी तक यही नहीं पता चला। आप कौन से लेवल पे जी रहे हो? अब तो रमजान शुरू हो गया भाईजान, अब तो मतलब क्विट लेवल पे आ जाओ। हैशटैग आई क्विट, मतलब वो वाला क्विट नहीं, वो जो वो कौन था यार, थ्री इडियट्स के अंदर कौन गया था, लोबो, जॉय लोबो, जॉय लोबो वाला क्विट नहीं, ये जो हरकतें है ये क्विट। नेक्स्ट, एटीट्यूड नहीं है ब्रो, बस मतलबी लोगों से दूर रहने लगा हूं। उन लोगों से जरा बचकर रहना जो दिल में भी दिमाग लेकर घूमते हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मैंने कहा माशाल्लाह, उसके बाद से बोला इंशाल्लाह। और ये बात मैंने तब सीखी थी जब मैं 16 साल का था कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना ऐसे ऐसे जिंदगी में कुछ हासिल कर रहे हैं तो ऐसे, यानी ये कहना ये चाह रही है, जहां सच ना मिले वहां झूठ सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही। यार ये वाली वीडियो मुझे रमजान के बाद भी दिखा, तब मैं खुल के बोल सकूंगा। नेक्स्ट, जी जी नहीं हुंदी मेरे तो, मैं गलत नू गलत कह दी आती हूं। मैं बहुत ज्यादा क्यूट तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी सेल्फी आ जाती है, वल्लाह खुद को प्रपोज करने का दिल करता है। नो नो नो, क्या लगता है आपको, ये जो लोग आपकी बुराई करते हैं उससे आपको कुछ फर्क पड़ता है? गर्मी से जलने पर लोग तो सूरज की भी बुराई करते हैं, क्या लगता है आपको उसे कोई फर्क पड़ता है? जब अल्लाह ताला किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उसकी पसंदीदगी का आलम ये होता है कि उस शख्स पर बहुत ज्यादा आजमाइशें डालता है, इतनी कि वो सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं भूलता। चलते हैं अगली कैटेगरी, टिकटॉक हीरोज की, राजपर देखते हैं फटा पोस्टर तरीका, कौन सा हीरो? पहले खुद ही करते हैं दिल से उतर जाने वाले काम, ओ प्यारियो, बाद में कहते हैं दिल भर गया ना हमसे। खेल खामोशी का हो या ना हो, मगर हम खेल रहे हैं तो खतरनाक ही होगा। जो मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें, मैं हर शख्स को मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। शरीफ लोग हैं, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ अंकल, मैं भी शरीफ आदमी। शरीफ आदमी पिंक जैकेट पहन के क्यों घूम रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी अपनी सहेली के साथ घूमने आया हुआ था वीडियो बनाने के लिए, इसने उसी की जैकेट बोरो की है। तो ये जैकेट किसी लड़के की मेरा नहीं ख्याल हो सकती है। तुमको क्या लगता है ख्वाजा मेरे ख्वाजा? नेक्स्ट, चाहिए वो जो चीज पहने वो ब्रांड बन जाए। और तुम्हें तुम्हारी अना मुबारक, हम सादगी में भी कमाल लगते हैं। मुझे बताइए ये सादगी में कमाल क्यों लगता है, पूछो कैसे, वड़ी इसका नाम ही कमाल है, ये सादगी में भी कमाल लगेगा, ये जमाल थोड़ी हो जाएगा सादगी। अगर ये जमाल होता तो पूछो क्या होता, नहीं अगर ये जमाल होता तो एचआर में होता है, ओवरटेक जमाल। नेक्स्ट, काश रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, तुम जब छोड़ के जाते हम मर तो जाते। तेरे बाद हमने किसी को हसरत से नहीं देखा। So
ऐसे कैसे नहा लूँ? हाँ तूने बोल दिया नहा लो, मुझे ठंड नहीं लगती क्या? मेरी फीलिंग्स नहीं है क्या? मुझे हमेशा वो चीज पसंद आती है जिसका मिलना नसीब में नहीं होता। बेटा इसके लिए मिसाल दी जाती है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाए, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डबल बेड की चादर खरीद ले, अगर नहीं कर सकते तो चादर जितनी है उतनी ही पैर फैलाए ताकि वो चीज आपको मिल जाए। समझ रहे हो? मेरे ख्याल तुझे समझे नहीं, समझ जाओ, वक्त आपको समझाएगा। नेक्स्ट, अपने हिजाब की कदर करो लड़कियों, किताबें तो बहुत होती हैं मगर गिलाफ सिर्फ कुराने पाक पर होता। माशाल्लाह बोलो फिर नजर लगती है वरना। नाम नहीं लूंगा लेकिन मेरी आईडी में एक लड़की बहुत क्यूट है। जलने दो लोगों को, तभी तो काम होगा। थोड़ा देर से ही सही, इंशाल्लाह मेरा भी नाम होगा। होगा सर, आपका नाम होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ बड़े बड़ों के नाम हो गए, आपका क्यों नहीं होगा? मतलब यार, कैप्टन नवीद जैसा बंदा मशहूर हो गया, आप क्यों नहीं हो गए? हो गए, जरूर हो गए। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट, मिन्नू कहे समझदार औरत ना ब्याह करवाना चाहिए। अच्छा, समझदार औरत ना, समझदार औरत ने तेरे ना कभी भी नहीं करवाना ब्याह। पंक पंक पंक, मैं आही ते साबित करना चाहूंगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है क्या कि... लगता है मुझे लगता क्या है क्या लगता है नैना? मुझे लगता है राहुल कि मेरे सिवा तुम्हारे साथ और कौन टाइम वेस्ट करेगा। आहा। और वैसे भी लड़की के साथ क्या करना है तुम्हें क्या पता। रियली पुत्र, मैं सोच रहा तेरे वास्ते दूसरी अम्मी ले आवां। अब्बू, ओ मैनू स्कूल जान दा ते नहीं कहेगी? तुम्हें मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्यों नहीं खेलता भाई? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता नहीं। कद्दू, अबे सीधे सीधे बोल देते शतरंज खेलने नहीं आती, इतनी लंबी करने की क्या जरूरत थी डायलॉग में? मतलब भाई तो इसलिए नहीं खेलता कि दुश्मन को सामने नहीं बिठाता और दोस्त के साथ चाल चलने नहीं आती, सीखा कैसे? भाई सवाल तो ये बनता है ना, फिर तू शतरंज सीखा कैसे खेलना जब सामने तो किसी को बिठा ही नहीं रहा? भाई बस कर दो मियां, बस कर दो, चचा उम्र का लिहाज कर रहे हैं तुम्हारे। मतलब जो बात नसीरुद्दीन शाह बोल देगा वो सही हो जाएगी, उसका डायलॉग बना लेगा, टिकटॉक वीडियो बनाएंगे। नहीं भाई ऐसे नहीं होता यार, अजीब इन्होंने बता रखा है कद्दूइज्म। नेक्स्ट, ना मैं पढ़ा रहता हूँ, मेरी हॉबी है लेटना और पैशन भी, मेरी लाइफ में कुछ भी होता है मैं लेट जाता हूँ। कहते हैं कि खुदा महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। जो सिंगल है वो भी दुखी है, जो रिलेशनशिप में है वो भी दुखी है, जिनकी शादी होगी वो भी दुखी है। ये सारी खुशियां जा कहां रही हैं फिर? कुछ लोग हमको पाकर भी बेहतर की तलाश में थे। कैटेगरी हो गई तमाम, चलते हैं अगली कैटेगरी, टिकटॉक। फ्रेंड्स की जानिब और देखते हैं दोस्तों का दोस्त रहा, यारों का यार रहा, क्या गुल खिला रहा है आज के दिन ये जमाना। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुझे जाने ही नहीं देता। पेन हो रहा है? अब तक हो रहा था, अब नहीं हो रहा। कब? अब तो बिल्कुल नहीं हो रहा। मुझे ना तेरी जितने भी एक्स रहे होंगे, अफेयर, मंगेतर, शंगेतर, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं तेरी लाइफ को मैं दबती हूँ यार। करती ना यार शादी कैंसिल। जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सर कौन दबाता था? तब सरदर्दी नहीं था। जब सरदर्दी नहीं होता था पगली। हाँ तब सरदर्दी नहीं होता था।
मतलब भाई दवा दर्द की होती है, सही है ना। मरीज तो मौजूद है लेकिन मर्ज होने के बाद वो मरीज बनता है, उससे पहले नहीं बनता। नेक्स्ट क्या मुर्शिद, इश्क भी कोई करने की चीज है? इधर मरो मेरी तारीफ करो। हारने तो होगी हिंकड़े, बस पीछे लगने सटार बाकी। कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? एक भी नहीं। क्या मिलता है तुम्हें झूठ बोलकर? एक और गर्लफ्रेंड। ये जिद है हमारी कि तुम्हें छीन ले सबसे। हम और जमाने से तकाजा नहीं करते, पर रो लेते हैं गोशाए तन्हाई में अक्सर। हम शहर की गलियों में तमाशा नहीं करते। ओ माय गॉड, चारों ने एक एक लाइन याद कर रखी थी, आपने चेक किया? अब ताज्जुब की बात तो तब होगी जब इन चारों ने एक ही को कबूले कबूले कहा हो। ये भी हो सकता है, है? मतलब यू यार लकीएस्ट मैन ऑन प्लैनेट अर्थ, पाकिस्तान तक का तो होगा। तो चार चार एट टाइम, मतलब चारों एक साथ हंसी खुशी रह रही है, कैसे आइडियल जिंदगी है ना। चार शादियां एक बंदा करके रह रहा है एक ही घर के अंदर, चारों की आपस में दोस्ती भी है, है? मत कुछ ज्यादा ही नहीं मांग लिया हमने, है लग रहा है ऐसे। नेक्स्ट, ए दुआ उन सारिया ने रिजल्ट हस्ता है जिना जिना इस साल बोर्ड ने पेपर देते। या मेरे मोला, सट बम दा गोला, ना रे बोर्ड दा दफ्तर, ना रिजल्ट दा रोला। ओए खोए खोए खान जी, आज मैं जड़ी फिल्म उस्ताद नाल पेपर इच की थी, तो वाह। ओ सती जी, केड़ी फिल्म बा के आए हो? खान जी पेपर इच सवाल आया सा के चैलेंज किसे कहते हैं, ते मैं सारा पेपर खाली छोड़या ते एंड इच लिखया, अगर तू प्यू ना पुत्र है ते मी पास करी ते दस। जब लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फ्रेंड से मिलवाती हैं। ओह ही इज सो क्यूट, यार प्लीज इसको बोल ना मैं भूख लगी है। यरा जी अगर शहरी च लस्सी बनाए ना टाइम ना हुआ है, ते इस तरह करो कि पहले दही खाओ फिर पानी पियो, फिर इस तरह करो कि पेटा पर हाथ रखो ना ते पेट की जोर जोर ना ले लाओ। ओ भाई जान, लस्सी बनाने का तरीका बताए भाई, इनके मशवरे पे रहे ना तो ये जिस तरीके से रोटी खिलाने वाले ना आपको, आपकी सोच है। कह रहा है पहले पानी पियो फिर आटा खाओ फिर और पानी पियो फिर थोड़ा सा हेलो उसके बाद तंदूर पे बैठ जाओ रोटी पक जाएगी। तो इनके चक्कर में नहीं आना है आप, नक्कालों से होशियार, कीड़े मार दवा खरीदने से पहले लेवल जरूर पढ़ ले। नेक्स्ट, बहुत ढूंढा है मैंने किसी आम और सादा सी लड़की को ताकि मेरी दोस्ती हो जाए, लेकिन यहाँ तो एंजल और प्रिंसेस से कम कोई नजर ही नहीं आती है। आपको पता है कि रमजान में ये ढोल वाले भी उसी इमाम को जगाने आते हैं जो ज़ोती फजर के बाद है। बेहतरीन वीडियो नाज़रीन, लेकिन इसी के साथ तमाम कैटेगरीज की तमाम वीडियोस तमाम होती है, चल के देखते हैं आज का वीडियो द रे टाइटल किस वीडियो जाने बढ़ रहा है, दिखाइए। हे यू चश्मेश, हाँ तुम इधर आओ, तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट हो, और ऊपर से ये तुम्हारा चश्मा, और ये तुम्हारे चश्मे पे जो तुम्हारे बाल आते हैं ना, हर बार मेरा दिल ले जाते हैं यार। बात तो ढंग से करते नहीं हो, और कहते हो बहुत प्यार किया तुमसे। खुश रखना चाहते थे, कितने सैड हो गए तुम, क्रीपी टॉक्सिक पोजेसिव, कितने बैड हो गए तुम। ये ना पहनो वो ना करो, यहाँ वहाँ जाना नहीं, आशिकी करने आए थे मेरे डैड हो गए तुम। याद करो अंजलि, तुम रोज हारती थी। राहुल तुम रोज हारते थे। नो अंजलि। यस राहुल। बच्चों के सामने झूठ मत बोलो, बुरा असर पड़ेगा। कम है क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठी। या वो सच तो ये है कि तुम सिर्फ चीटिंग करके जीत सकते हो। डोंट कॉल मी चीटर, ओके? दैट्स व्हाट यू आर, चीटर चीटर चीटर। अंजलि चीटर नहीं। भाई बहुत बहुत मुबारक आपको, आपका डीजी टाइट का वीडियो टाइटल आपका प्राइस जो कि सरप्राइज बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, मिल जाए तो उसकी वीडियो का भी हमें जरूर मिलेगा, पूरी कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी प्रोग्राम में लगाए, लेकिन वादा नहीं करेंगे क्योंकि वादा तो टूट जाता है। हमें दीजिए इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। बत्ती तो बजा दे मेरे भाई। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।